नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme Narzo 30 वर्सेस Vivo Y21T का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Narzo 30 में 6.39 इंच जबकि Y21T में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Narzo 30 में 2.97 इंच जबकि Y21T में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Narzo 30 में 0.37 इंच जबकि Y21T में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Narzo 30 में 192 ग्राम जबकि Y21T में 182 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Narzo 30 में 6.5 इंचेस जबकि Y21T में 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Narzo 30 में 1080x2400 और Y21T में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Narzo 30 में 83.36% जबकि Y21T में 83.76% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Narzo 30 में 405 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Y21T में 401 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Narzo 30 में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Y21T की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Narzo 30 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Y21T की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Narzo 30 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Y21T में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Narzo 30 में माली G76MC4 जबकि Y21T में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Narzo 30 में MediaTek Helio G95 और Y21T में Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है। बात करें RAM की तो Narzo 30 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB, 6GB, 6GB की RAM मिलती है जबकि Y21T में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो Narzo 30 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB, 64GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Y21T में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Narzo 30 में अप टू 256GB जबकि Y21T में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Narzo 30 में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जिसमें कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 13,448 रुपीस, 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीस,
6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस में मिलता है। और बात करें Y21T की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,490 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme Narzo 30 में 6 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo Y21T की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Y21T आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y30 है, दूसरा Oppo F17 Pro है, तीसरा Vivo Y12S है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix Hot 10 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।